अंधे राधे भक्तों, आज हम आपको शर्तिला एकादशी की कथा सुना रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि शर्तिला एकादशी का व्रत कब रखना है और इस दिन दान क्या क्या करना है। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वह वीडियो प्राप्त कर सकते हैं तथा हर आने वाली एकादशी के विषय में पहले से ही जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब गणेश जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण भगवान के श्री मुख से मन को आनंद एवं संतोष देने वाली एकादशियों के व्रत की उत्तम कथाएं सुनकर अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक उन्हें नमन किया और बोले, हे मधुसूदन, आपके मुख से कथाएं सुनकर मुझे अपार आनंद मिल रहा है। हे जगदीश्वर, कृपा करके अन्य एकादशियों की कथाएं भी सुनाने का कष्ट करें। हे पार्थ, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्महत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि भी करते हैं। ऐसे सभी पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, उत्तेजना और अज्ञानतावश करते हैं और बाद में पश्चाताप भी करते हैं कि हाय, यह मैंने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे प्राणियों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ऐसे प्राणियों को नरक प्राप्त ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक यातना से बचा जा सकता है? यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त्य महात्मा बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों का बहुत लाभ होगा। जिस भेद को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वह भेद मैं आपको अवश्य बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध होना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए। इन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो, तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से देवों के देव भगवान श्री विष्णु का पूजन और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात को जागरण तथा हवन भी करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करें और खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन भगवान को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर इस प्रकार से उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व विधाता, हे सुब्रमण्यम, आप लक्ष्मी सहित मेरे इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा हुआ कुंभ और तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य जितने तिल दान करता है, वह उतने ही हजार वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उबटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिल का दान, इस प्रकार से 6 रूपों में तिलों का प्रयोग ही शर्तिला कहलाता है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा कहकर पुलस्त्य ऋषि बोले, अब मैं एकादशी की कथा कहता हूँ। एक दिन नारद ऋषि ने भगवान से शर्तिला एकादशी के संबंध में पूछा। तब वे बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। शर्तिला एकादशी के व्रत का पुण्य क्या है, इसकी क्या कथा है, सो कृपा करके कहिए। नारद की विनती सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती थी। एक समय वह एक माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, इसको विष्णु लोक की प्राप्ति तो हो जाएगी। परंतु इसने कभी
अन्न दान नहीं किया। अन्न के बिना प्राणी की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया। उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे ही लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग को गई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिल गया, परंतु उसने घर को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की थी, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित क्यों है? इसका क्या कारण है? तब मैंने कहा, तुम अपने घर को जाओ। जब देव स्त्रियाँ तुम्हें देखने आए, तब तुम उनसे शर्तिला एकाची व्रत का महात्म और विधि पूछना। जब तक वे तुम्हें ना बताएं, तब तक द्वार मत खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खुलवाने लगी, तब वह ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले शर्तिला एकाची का महात्म कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, यदि तुम्हारी इच्छा है तो सुनो, मैं तुम्हें एकाची व्रत उसका महात्म विधि सहित बताती हूँ। जब उसने शर्तिला एकाची का महात्म सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार शर्तिला का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके घर धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः हे अर्जुन, मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकाची का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म की आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा सार, इस व्रत से शारीरिक शुद्धि तो मिलती ही है और रोगों का नाश भी होता है। अन्न तिल आदि दान करने से धन धान्य में भी वृद्धि होती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि प्राणी जो जो और जैसा जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान भी अवश्य करना चाहिए। कथा के उपरांत एक अच्छी माता की आरती करेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। हर एक अच्छी कथा प्राप्त करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब